नवागढ़ नगर पंचायत में गौ माता अपनी बछड़े सहित नौधा भक्ति कथा के बीच कुछ क्षण खड़ी रहीं। महामंडलेश्वर के पद से विभूषित छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजे श्री डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी महाराज आज लिंगेश्वर नगरी माँ भगवती की पावनधारा नगर पंचायत नवागढ़ एवं भगवान ज्योतगिर बाबा के राम तुस्मा में आयोजित नौधा भक्ति के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। दोनों ही स्थानों पर पहुँचने पर नगरवासियों एवं ग्रामवासियों ने राम नाम संकीर्तन के साथ उनका आत्मीय अभिनंदन किया और स्वागत के उपरांत उन्होंने अपना आशीर्वचन प्रदान करते हुए कहा कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूर्व भगवान भोलेनाथ ने कर ली थी। उसे सुनाने के लिए वे उचित पात्र की तलाश में थे। उन्हें लगा कि माता पार्वती इसके लिए सबसे उत्तम कुट की श्रोता है। उन्होंने उन्हें रामकथा का रसपान कराया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के एक प्रमुख पात्र नारद जी भी हैं। उनसे जिस किसी की भी भेंट हुई उन्होंने भगवान का दर्शन अवश्य कराया। भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भक्त प्रहलाद की भक्ति से भगवान खंभे से प्रकट हो गए और गोस्वामी तुलसी जी रचित रामचरितमानस यथार्थवाद पर आधारित है। हमें सियाराम में सब जग जाने के सिद्धांतों को आत्मसात करना चाहिए और संपूर्ण जगत ईश्वर का ही बनाया हुआ है। इसके कण कण में सीताराम जी विराजमान है। नवागढ़ की नवधा भक्ति में जब राजे श्री महंत जी महाराज श्रोताओं को राम कथा का रसपान करा रहे थे, उसी बीच एक गौ माता अपने बछड़े के साथ आकर ठीक उनके सामने खड़ी हो गई और कुछ क्षण तक वहीं पर खड़ी रही। ऐसा लगा मानो अभी राम कथा का रसपान कर रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ी तब फिर दो तीन गौ माताएं आकर उस रास्ते से गुजर गईं। यह उल्लेखनीय है कि राजे श्री महंत जी महाराज छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। उनकी मानस कथा में गौ माता की उपस्थिति से श्रोता समाज प्रसन्नचित नजर आए। इन दोनों से ही कार्यक्रम में जनपद सदस्य कमलेश सिंह, देवालाल सोनी, राम तीरथ दास जी तथा नवागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष भुवनेश्वर के सर्वानी आदि लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ जांच के चापा से अजय यादव की खास रिपोर्ट।